इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #BeSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें, अखिलेश यादव बोले कांग्रेस स्पष्ट करे कि चुनाव में गठबंधन करना है या नहीं। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा अगर कांग्रेस नहीं चाहती कि हम इंडिया गठबंधन में रहें तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता की है और कहा है कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि जब गठबंधन नहीं करना था तो हमारे नेताओं को आखिर बुलाया ही क्यों था। साफ साफ बताना चाहिए था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, राज्यों के लिए नहीं। लेकिन हमारे नेताओं को बुला करके हमसे चर्चा की गई और सीटों के बारे में पूरी जानकारी ली गई। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि कांग्रेस हमें स्पष्ट बताए कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन करना है या नहीं, अगर वो मना कर देंगे तो हम भाजपा को हराने के लिए अपनी तैयारी फिर करेंगे। कांग्रेस हमसे साजिश या षड्यंत्र ना करे। ये यहाँ पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है दोस्तों, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा को हराना है तो बिना अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अधूरा रहेगा, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर के ही गुजरता है और यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी काफ़ी मजबूत है। अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और बड़ी अपडेट की तरह बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बढ़ा दी है भाजपा की मुश्किलें, चौतरफा दे दिया है ऐसा बयान कि बीजेपी आ चुकी है अब बैकफुट पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बैनर का नहीं सोशल मीडिया का करेंगे इस्तेमाल, जिसके बाद यहां पर माना जा रहा है कि नितिन गडकरी यहां पर रैली नहीं करेंगे। इससे पहले भी वे ऐसा ही बयान दे चुके हैं। हाल ही के अंदर देखने को मिला है कि लगातार पीएम मोदी और नितिन गडकरी के बीच में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बताते चले नितिन गडकरी ने कहा है कि वह अगले साल के आम चुनाव के दौरान प्रचार के लिए विज्ञापन बैनरों का नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। नितिन गडकरी ने कहा है कि यहां पर जिसको भी वोट करना होगा वो तो मुझे वोट करेगा ही, लेकिन हम यहां पर बैनर और पोस्टर या फिर रैली करके पानी की तरह पैसा नहीं बहाएंगे। हम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जनता हमें वोट देना चाहेगी तो देगी, लेकिन हम अब यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही वोट मांगेंगे जनता से। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो नितिन गडकरी अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह सही कदम उठाया है या नहीं, अपनी राय भी बताइएगा। एक और बड़ी खबर बताते चलें, सपा के दिग्गज नेता आजम खान ने जताई है आशंका, कहा हमारा एनकाउंटर हो सकता है। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को अलग अलग जेलों में शिफ्ट करने पर यहां पर आजम खान का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की जेल से आज सुबह यहाँ पर अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस जब आजम खान को दूसरी जेल में ले जा रही थी तो उन्होंने पुलिस के सामने ही कहा कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों को बताते चलें, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को यहां पर 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। और इस सब के बीच में आजम खान ने ये काफ़ी बड़ा दावा यहां पर किया है, जिसके बाद यूपी की राजनीति में भूचाल सा आ गया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के अंदर जबरदस्त हंगामा, टिकट नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्री के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है जबरदस्त बवाल। खबर बताते चलें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की पांचवी सूची में नाम नहीं होने पर भाजपा से टिकट पाने के आकांक्षी उम्मीदवारों के समर्थकों ने जबलपुर में पार्टी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने जबरदस्त हंगामा कर दिया। बताते चलें आप लोगों को यहां पर,
भाजपा के दो गुट यहां पर केंद्रीय मंत्री के सामने आपस में ही भिड़ गए और यहां पर माहौल इतना खराब हो गया कि जमकर के हाथापाई भी देखने को मिली है बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में। ये सब कुछ यहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने हुआ है, जिसके बाद कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। ये यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा अंदरूनी कलह से जूझती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, धर्म की राजनीति मामले को लेकर के बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयुक्त से की है शिकायत। जी हां दोस्तों, भाजपा के प्रवक्ता के अनुसार कांग्रेस नेता के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाई गई है। उनके अनुसार नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के लिए बताते चलें, भाजपा ने यहां पर दौसा में आयोजित सभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए सार्वजनिक भाषण में धार्मिक भावनाओं के आधार पर आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने माननीय प्रधानमंत्री के संबंध में यहां पर गलत दुर्भावनापूर्ण बयान दिए जाने को गंभीर बताते हुए यहां पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है भाजपा की तरफ से। ये वही भाजपा है जो धार्मिक आधार पर वोट मांगती है जनता से, हर चुनावी रैली में यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेता हिंदू मुसलमान करते हैं, ये वही बीजेपी के नेता हैं और अब यहाँ पर प्रियंका गांधी के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई है चुनाव आयोग में। आप लोगों की दोस्तों क्या कुछ राय है खबर को लेकर के, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, अगले महीने से 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और 3 दिसंबर को 5ों ही राज्यों के नतीजे जारी किए जाएंगे। और इस बीच यहां पर कई सर्वे सामने निकल के आ चुके हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए काफी राहत भरे सर्वे हैं, जिनमें बताया गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर के तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। और वहीं इसके साथ ही इन सब के बीच में अब सट्टा बाजार के भी आंकड़े सामने निकल के आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, बताते चले सट्टा बाजार में किस पार्टी पर दांव लगाया जा रहा है, आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। लेटेस्ट आंकड़े हैं जो अभी तक यहाँ पर आप लोगों ने नहीं जाने हैं, जानना जरूरी है, इसलिए दोस्तों बताते चलें। एक बार फिर से सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री बन सकते हैं भूपेश बघेल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पर सट्टा बाजार ने दांव लगाया है इस बार, जिसमें बताते चलें सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 65 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बताते चलें भाजपा के खाते में मात्र 20 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही हैं सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार, जबकि अन्य के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पर सट्टा बाजार में दांव लगाया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, भारत के भविष्य के लिए मिलकर के बीजेपी से लड़ना है, सपा कांग्रेस की अनबन पर बोली है सीपीआई। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसके बाद कांग्रेस से उसकी अनबन हो गई। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में भी दरार सी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस मामले में अब सीपीआई के महासचिव टी राजा का एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। बताते चलें दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और यहां तक कि वामपंथी दल भी इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक साथ हैं। अब अतीत को क्यों खोदना, अब हमें वर्तमान में आना होगा और हमें भविष्य की ओर देखना होगा। सभी को एकजुट रह करके बस भाजपा को सत्ता से हटाना है, यही लक्ष्य होना चाहिए। यह यहां पर सीपीआई की तरफ से बयान आया है सामने। इस समय के दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।